हेलो एवरीवन, मैं अजीत कुमार पांडे आपके यूट्यूब चैनल सिलेक्शन साथी पर आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग इंग्लिश के सेक्शन में डील करेंगे नाउन को। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में नाउन पढ़ रहे थे, तो नाउन के एक दूसरे बेहद इम्पॉर्टेंट सेक्शन को आज हम लोग डील करने जा रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये आपके सारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे बैंक पीओ हो, क्लर्क हो, एसएससी हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, आपके सारे एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं। इनकी सबसे अच्छी विशेषता ये है कि यदि इससे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं, तो एक बार इसको यदि आप ठीक से समझ लेते हैं, इसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो, तो इसमें एरर बनने की संभावना नहीं होती। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट अपने इस सेशन को शुरू करते हैं और हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं लैटिन वर्ड्स। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये लैटिन वर्ड्स क्या होता है भाई? लैटिन वर्ड्स सुन के आपके मन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। देखिए, जैसे हम लोग हिंदी भाषा से भली भांति वाकिफ हैं, परिचित हैं, बोलचाल में यूज भी करते हैं, पढ़ते लिखते भी हैं, ठीक है। तो हिंदी में संस्कृत भाषा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। जैसे आपने बचपन में कभी पढ़ा होगा हिंदी ग्रामर में तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, इस प्रकार के शब्दों का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। इन द सेम वे इंग्लिश लैंग्वेज में लैटिन भाषा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो हमारे आपके मन में एक डाउट क्रिएट होता है, सर इसको अलग से पढ़ने की ज़रूरत क्या है? देखिए, होता क्या है कि सबसे पहले हम आपको बताते चले, क्या लैटिन अभी भी कहीं यूज़ में है? लैटिन, जैसा कि आप एंशियंट टाइम के बारे में पढ़ते हैं, तो रोम का नाम आपने सुना है। रोम में सबसे ज़्यादा प्रचलित भाषा ये थी लैटिन। अभी भी एक कंट्री वेटिकन सिटी, आपने नाम सुना होगा वेटिकन सिटी का, ये अभी भी ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। तो अब देखिए, इसको अलग से पढ़ने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि ये लैटिन लैंग्वेज से जो वर्ड लिए गए इंग्लिश लैंग्वेज में, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो इंग्लिश ग्रामर के जनरल रूल को फॉलो नहीं करते। जैसा कि हमने आपको पिछले क्लास में बताया था, ऑन द बेसिस ऑफ काउंटिंग देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाउन्स, ठीक है। हमने आपको बताया था कि संख्या के आधार पे नाउन दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, क्लियर है। तो जैसा कि हम सब लोग बचपन से जानते हैं, यदि किसी नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनाना हो, तो उसके लास्ट में जनरली हम लोग एस ऐड करके उसका सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। बट इनके साथ ये रूल अप्लाई नहीं होता, इसीलिए लैटिन वर्ड्स का जो कॉन्सेप्ट है सिंगुलर से प्लूरल बनाने का, इसे हम लोगों को अलग से पढ़ने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं इसके रूल नंबर वन से। ये रहा हमारा रूल नंबर वन। देखिए, रूल नंबर वन क्या कहता है? इसका पहला रूल कहता है कि ऐसा कोई भी लैटिन वर्ड जिसके लास्ट में यूएस लगा हो, ऐसा कोई भी लैटिन वर्ड जिसके लास्ट में यूएस लगा हो, वो सिंगुलर होता है और उसका प्लूरल बनाना हो, तो हम लोग उस यूएस को आई में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि यूएस को वहाँ से हटाते हैं और यूएस के बदले आई का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप सामने एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एग्जांपल में आप देख सकते हैं फंगस, फंगस के लास्ट में क्या लगा हुआ है? यूएस। फंगस के लास्ट में क्या लगा है? यूएस। और रूल नंबर वन जो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा? यूएस को आई में कन्वर्ट करना होगा, यानी कि फंगस सिंगुलर है और इसका प्लूरल बनाना हो तो हम लोग क्या बनाएंगे? फंगाई, ठीक है। चलते हैं इनके कुछ एग्जाम्पल्स। ये रहा एग्जाम्पल आपके सामने। देखिए, रेडियस रेडियाई, सिलेबस सिलेबाई, लोकस लोसाई, कैक्टस कैक्टाई, न्यूक्लियस न्यूक्लियाई। देखिए, इन एग्जाम्पल्स में भी हम लोगों को यही सीखने को मिलता है, यहाँ भी हम लोग यही काम करते हैं, इन सारे वर्ड्स के लास्ट में यूएस लगा हुआ है और इन सारे यूएस को हम लोग आई में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट करते चलें, इसको ध्यान रखें कि यूएस लगा होगा तो उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? आई में, ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। स्टिमुलस,
क्या बनेगा प्लूरल, स्टिमुलाई, फोकस फोसाई, जीनियस जीनियाई, एलुमनस एलुमनी, बैसिलस बैसिली, टर्मिनस टर्मिनाई। ठीक है, अब चल लोग अगले रूल की तरफ। अगला रूल है हमारा रूल नंबर टू। देखिए रूल नंबर टू ये कहता है यदि किसी लैटिन वर्ड के लास्ट में आई एस लगा हो, क्या लगा हो, यदि किसी लैटिन वर्ड के लास्ट में आई एस लगा हो तो इस आई एस को या आई एस वाले वर्ड का सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम लोग इस आई एस को कन्वर्ट करेंगे ई एस में। किस में कन्वर्ट करेंगे, आई एस को ई एस में कन्वर्ट करेंगे। यानी कि यदि किसी वर्ड के अंत में आई एस लिखा हो तो वो लैटिन वर्ड सिंगुलर होगा, और उसका यदि प्लूरल बनाना हो तो आई एस के बदले हम लोग प्रयोग करेंगे ई एस का। ठीक है, चलिए एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं क्राइसिस। देखिए क्राइसिस के लास्ट में क्या लगा हुआ है, आई एस लगा हुआ है, तो इस आई एस वाले वर्ड को हम लोग सिंगुलर मानेंगे या प्लूरल। बिल्कुल सही, सिंगुलर मानेंगे। तो इसका यदि प्लूरल बनाना हो तो हम लोग क्या करेंगे, आई एस के बदले ई एस का यूज करेंगे। यानी क्राइसिस हमारा सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या बनेगा, क्राइसिस। ठीक है, कुछ और एग्जांपल की तरफ। सामने देखिए लेफ्ट साइड में सारे वर्ड जो आपको दिख रहे हैं इन सारे वर्ड्स के लास्ट में लगा हुआ है आई एस, यानी कि ये सारे क्या हैं, सिंगुलर हैं, इनका प्लूरल बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, आई एस को कन्वर्ट करेंगे ई एस में। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। बेसिस का प्लूरल क्या बनेगा, बेसिस। डायग्नोसिस क्या बनेगा, डायग्नोसिस। हाइपोथेसिस क्या बनेगा, हाइपोथेसिस। थेसिस क्या बनेगा, थेसिस। एनालिसिस, एनालिसिस। नेक्स्ट एग्जांपल, एक्सिस, एक्सिस। सिंथेसिस, सिंथेसिस। ओएसिस, ओएसिस। पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस। नार्कोसिस, नार्कोसिस। और एग्जांपल, मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस। सिनोप्सिस, सिनोप्सिस। इलिप्सिस, इलिप्सिस। हिप्नोसिस, हिप्नोसिस। ठीक है, तो ये था हमारा रूल नंबर टू। हम लोग चलते हैं रूल नंबर थ्री की ओर। देखिए हमारा रूल नंबर थर्ड क्या कहता है। रूल नंबर थर्ड कहता है यदि किसी लैटिन वर्ड के लास्ट में यू एम लगा हो, क्या लगा हो, यू एम लगा हो, तो वो सिंगुलर होगा, और उसका यदि प्लूरल बनाना हो तो हम लोग यू एम को कन्वर्ट करेंगे ए में, अर्थात कि यू एम के बदले हम प्रयोग करेंगे ए का। ठीक है, यू एम को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, मिटा देंगे, उसके बदले क्या लिखेंगे, ए फॉर एप्पल लिखेंगे। जैसा कि एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, मीडियम। देखिए मीडियम के लास्ट में क्या लगा हुआ है, यू एम लगा हुआ है, क्या लगा है, यू एम लगा है। इसका हम लोग प्लूरल बनाएंगे तो क्या करेंगे, यू एम के बदले ए का प्रयोग करेंगे। तो चलिए मीडियम के लास्ट में लगा हुआ है यू एम, तो मीडियम का प्लूरल क्या बनेगा, मीडिया। मीडियम का प्लूरल क्या बनेगा, मीडिया। तो इस रूल पे बेस्ड कुछ एग्जांपल हम लोग प्रैक्टिस कर ले। ये देखिए लेफ्ट साइड में जितने भी वर्ड आपको दिख रहे हैं इन सारे वर्ड्स के लास्ट में यू एम दिख रहा है, यानी लेफ्ट वाले सारे वर्ड हमारे कैसे हैं, सारे के सारे वर्ड हैं सिंगुलर। तो आइए इन सब का प्लूरल हम लोग बनाते हैं। बैक्टीरियम, बैक्टीरिया। डिक्टम, डिक्टा। एजेंडम, एजेंडा। मेमोरेंडम, मेमोरेंडा। क्लियर है, कुछ एग्जांपल, सैनिटोरियम, सैनिटोरिया। डेटम, डेटा। इरेटम, इरेटा। मैक्सिमम, मैक्सिमा। ये आप मैथ में, आप में से कुछ बच्चे जो मैथ पढ़ते हैं एसीसी के सेक्शन में, आपको एडवांस मैथ पढ़ना, वहाँ पे आप पढ़ते हैं मैक्सिमम मिनिमा। ठीक है, कुछ और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मिनिमम, मिनिमा। कॉरिजेंडम, कॉरिजेंडा। क्रेमाटोरियम, क्रेमाटोरिया। करिकुलम, करिक्यूला। अब हम लोग नेक्स्ट रूल, रूल नंबर फोर की ओर। देखिए रूल नंबर फोर कहता है ऐसा कोई भी लैटिन वर्ड, फिर से वंस अगेन, ऐसा कोई भी लैटिन वर्ड जिसके लास्ट में ए लगा हो, जिसके लास्ट में क्या लगा हो, ए फॉर एप्पल, ए फॉर आभिजा, ऐसा लगा हो,
तो वो वर्ड सिंगुलर होगा। उस लैटिन वर्ड का यदि प्लूरल बनाना हो तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें कहीं कोई चेंज नहीं करते बल्कि इसमें हम लोग ऐड करते हैं ई को। फिर से समझ लें हम लोग, यदि किसी लैटिन वर्ड के अंत में लास्ट में ए लगा हो, ए फॉर आभिजा लगा हो, तो उसका सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम लोग उस वर्ड के लास्ट में सिंपली ऐड कर देते हैं ई। ठीक है, जैसे सामने के एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एल्गा। एल्गा के लास्ट में क्या लगा हुआ, ए, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, ई को इसमें ऐड कर देंगे। जैसे एल्गा क्या है, सिंगुलर, प्लूरल क्या होगा इसका, एल्गी। ठीक है, चलते हैं इस रूल पे बेस्ड कुछ एग्जांपल की ओर। एग्जांपल देखिए, फॉर्मूला फॉर्मूले, वर्टिब्रा वर्टिब्रे, एंटीना एंटीने। नेक्स्ट रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 कहता है ऐसे लैटिन वर्ड जिनके लास्ट में ओ एन लगा हो, ऐसे लैटिन वर्ड जिनके लास्ट में ओ एन लगा हो उसका सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम लोग ओ एन को कन्वर्ट करते हैं, परिवर्तित करते हैं ए में। ठीक है, यानी कि यदि किसी लैटिन वर्ड के लास्ट में ओ एन लिखा हो तो ओ एन को हटा के मिटा के उसके स्थान पे हम लोग प्रयोग करेंगे ए का। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे एक एग्जांपल है फेनोमेनन। फेनोमेनन के लास्ट में क्या लगा है, ओ एन। क्या लगा है, ओ एन, तो इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, ओ एन को किस में कन्वर्ट कर देंगे, ए में। यानी फेनोमेनन क्या था, सिंगुलर, फेनोमेनन का प्लूरल बनाना हो तो क्या बनाएंगे, फेनोमेना, तो फेनोमेनन का क्या हो गया, फेनोमेना। इन द सेम वे क्राइटेरियन का क्या बनेगा, क्राइटेरिया, क्राइटेरियन का क्राइटेरिया। हम लोग नेक्स्ट रूल की तरफ, रूल नंबर 6। देखिए हमारा रूल नंबर 6 कहता है यदि किसी लैटिन वर्ड के लास्ट में ओ लगा हो, यदि किसी लैटिन वर्ड के लास्ट में ओ लगा हो तो वो सिंगुलर होगा, और उसका प्लूरल बनाना हो तो हम लोग ओ को परिवर्तित करेंगे, चेंज करेंगे, रिप्लेस करेंगे आई में। ठीक है, यानी ओ को हटाएंगे और उसकी जगह क्या लिखेंगे, आई फॉर आइसक्रीम। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कंसर्टो। तो कंसर्टो के लास्ट में क्या लगा है, ओ लगा है, इसका प्लूरल बनाना हो तो क्या करेंगे, ओ को आई में परिवर्तित करेंगे, यानी ओ की जगह क्या लिखना पड़ेगा हमें, आई। ठीक है, कुछ और एग्जांपल लेते हैं, वर्चुओसो। तो वर्चुओसो का प्लूरल क्या बनेगा, वर्चुओसी। ग्रेफिटो ग्रेफिटी। चलते हम लोग नेक्स्ट रूल की तरफ, रूल नंबर 7। देखिए रूल नंबर 7 क्या कहता है, यदि किसी लैटिन वर्ड के लास्ट में एक्स लगा हो, यदि किसी लैटिन वर्ड के लास्ट में एक्स लगा हो तो इसका सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम लोग एक्स की जगह क्या लिखेंगे, सी ई एस का प्रयोग करेंगे, यानी एक्स को हटा देंगे और एक्स के स्थान पे हम लोग प्रयोग करेंगे सी ई एस का। ठीक है, जैसे मैट्रिक्स मैट्रिसेस, अपेंडिक्स अपेंडिसेस। ठीक है, चलते हैं लैटिन वर्ड्स के आखिरी रूल, रूल नंबर 8 की तरफ। रूल नंबर 8 कहता है यदि किसी लैटिन वर्ड के लास्ट में यू लगा हो, यू फॉर अम्ब्रेला लगा हो तो वो सिंगुलर होगा, उसका प्लूरल बनाना हो तो उसमें कुछ नहीं करना है, सिंपली ऐड करेंगे हम लोग एक्स, यानी यू के बाद एक्स का प्रयोग कर देने से बिना किसी दूसरे वर्ड को रिप्लेस किए यू के बाद केवल और केवल एक्स का प्रयोग कर लेने से ये वर्ड सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। जैसे ब्यूरो ब्यूरेक्स, टैब्लियो टैब्लियोएक्स। ठीक है, तो आज का लैटिन वर्ड का क्लास हम लोगों का यहीं तक का था। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मैक्सिमम इसको लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। ठीक है, और अगले क्लास में हम लोग नाउन के और भी कुछ कन्फ्यूजन और इम्पॉर्टेंट सेक्शन को लेके आएंगे, तो फिर अगले सेक्शन में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू क्लास, थैंक यू।